अभी हम सरदा नदी से निकल गए थे, फिर चलते चलते थोड़े थक गए, तो गोली वोड़ी खाई अभी हमने, पूरी वूरी भी खाई फिर हमने, फिर थकान सी हो गई, फिर हमने कोई लौंडा डूब गया जरा वहां थोड़ी कुतर पास करके देख के आए थे, वो पुलिस वाली कह रही थी टैगर कह रही थी यहां भीड़ मत लगाओ, जा यहां भीड़ मत लगाओ, जा मैं तो ऊपर ही जा रहा, अब तो हम ऊपर जा रहे हैं, दर्शन करेंगे आपको, दर्शन कराएंगे। तो अभी हम थक गए थे तो हम गाड़ी में बैठ गए, यहां गाड़ी वाले भैया दिख गए सामने, तो हम यहां बैठ गए, यहां से 10-20 रुपए का होता है, मैंने ज्यादा नहीं बचे, 6 किलोमीटर करीब बचा, तो 20 रुपए टिकट रह गया, गाड़ी 20 रुपए टिकट, बहुत सस्ता, हमारी गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती, चौकी जरा वो है, बहुत बहुत पीछे खड़ी है यार गाड़ी, तो हमारी गाड़ी तो बहुत पीछे खड़ी है, 7 किलोमीटर हो गया, 9 किलोमीटर हो गई हमारी गाड़ी, 9 किलोमीटर पीछे खड़ी है, तो वो तो जा नहीं सकती, और या फिर हमें 9 किलोमीटर पहले पीछे जाना पड़ेगा, कितना चाहिए आगे चले जाए, तो अभी चलते हैं पूर्णागिरी के मंदिर में दर्शन करने जा रहे हो, बाहर से खुलेगा टूट जाएगा से, पूर्णागिरी के मंदिर में पहुंच गए, तो गाइस गाड़ी अभी चल गई है, और गाइस भाई हमारे ऐसे बैठे हैं शांति से, भाई लोग गाड़ी तुम चढ़ चुके हो, गोलू बच्चू तो हमारे कभी शांत रहते नहीं, ये हमारे बाहर का सफर है, गाड़ी रास्ता पकड़ लिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, गाड़ी तो राइडर है, और देखो गाड़ी जा रही है, और ये बहुत स्पेशल मोड हुई है, मोड मोड दिए गाड़ी से उतर गए हैं, और बताना अभी हमें कितना चलना भाई, अरे पूर्णागिरी गेट, गेट पे तो आ गई, गेट ड्राइवर सबसे पूछी थी वो कह रहा था कितना, 8 किलोमीटर वो 8 किलोमीटर कह रहा है, पर सुनने में 8 किलोमीटर बता रहा है, या फिर वो 1 किलोमीटर बता रहा है, हमारी सुनने में गलती हो गई, तो अभी पता नहीं है, लेकिन हम पहुँच चुके हैं, हम मैया के द्वार पर भी पहुँच चुके हैं, और अभी अंदर भी जाने वाले हैं, तो पता नहीं कितनी देर में रुकेंगे, फिर उसके बाद अंदर चलते हैं, भंडारी चल रही हैं, बोली खाएगा बंदा लौटते हैं, भंडारा ही खाएंगे, भंडारा तो मैं भी भाई, भंडारे खाना सबसे का पूरी जगह भंडारा ही भंडारा हो रहा है, सब में भंडारा ही भंडारा, नेटवर्क हो चुका है, नो सर्विस, एमरजेंसी आ गई थी, क्यों नो सर्विस हो रहा, भैया ने कहीं मेरे पास आए तो फोन छोड़ा, फोन में पैसे गिरते मैंने गिरा तो फोन घुसे रहते हो इतने तो मैंने कर दी उन्होंने सीधे हाँ तुम्हें कुछ भी रास्ता बता नहीं पता और रास्ता बता रहे हैं दूसरे टनकपुर सीधे टनकपुर जी हमारे हैं ये हमारे आयुष भाई ऐसे दोस्त हैं इन्हें खुद रास्ता बता नहीं है दूसरों को रास्ता बता रहे हैं देखियो तो अभी हम आगे मिलते हैं तो भाई अभी हम पूछने वाले हैं तो कितनी दूरी पर है भैया वो तो हो गया पीछे वाली गाड़ी वाले 8 किलोमीटर है बस तो ये बता भैया जरा गाड़ी जाएंगे 7 किलोमीटर तक अच्छा तो वही वाली गाड़ी ऊपर ले जाएगी भाई उन्होंने हमें सही बताया था 8 किलोमीटर अभी दोबारा 9 किलोमीटर और जाना थैंक यू भैया थैंक यू मीटर और जाना अभी हमें और आयुष भाई की एसटीसी हो चुकी है बोलू भाई कान में डिफेक्ट नहीं है बोलू भाई ने सही सुना था लेकिन बस इनके कान में डिफेक्ट है भाई ओए 1 किलोमीटर सुना ना लेकिन 8 किलोमीटर इतना नो है नो है नो है 9 किलोमीटर ये सही कर रहे हैं ये क्योंकि 8 मेरी 13 9 हो गए हां 9 हो गए
आठ इसने बोला, एक मैंने बोला प्लस कर दो, दोनों को नो हो गए भाई। तू गलत है, कोई प्लस प्लस नहीं हो रहा भाई। अरे भाई सामने से मुड़ते हैं, देखो इन्हें इतनी अकल नहीं है, सामने से मुड़ते हैं। तो अभी हम आगे मिलते हैं भाई। हम दोबारा बैठ गए गाड़ी में, क्योंकि 9-10 किलोमीटर था, तो उसके बाद हम दोबारा बैठ गए। बोलो भाई कैसा लगा दोबारा गाड़ी में बैठ के? हम इसलिए दोबारा बैठ गए, देखो वहाँ कितनी धूप पड़ रही है, देखो मैं झूठ बोल रहा हूँ तो कार पड़ रही है बहुत। आपको लगता है कहीं से हम चलने लायक? आयुष भाई बेचारी उदास है, क्योंकि पैदल चलना था। लो बात करो यार, पैदल चलना था आयुष भाई। आप बता दिया करो कि मैं कैसे रखता हूँ देखने में। हेलो शादी की उम्र हो चुकी है मेरे तो। अभी हम यहाँ पे चलते हैं और अब बताना कितनी दूर जाएंगे, और मतलब अब तो सीधा मसाइल मंदिर भी पहुँचेंगे। हम तो मंदिर भी पहुँचेंगे अब तो सीधा। भाई भाई और चलना पड़ेगा थोड़ा सा, थोड़ा सा लड़ा गुरु भाई, चलना पड़ेगा। हम चलते रहते हैं, जिंदगी चला रही है, हम चल रहे हैं। गोलू भाई को जिंदगी चला रही है। अरे खड़ी चढ़ाई है बढ़िया, कोई दिक्कत ना है, तुम्हें मजा आ। तो अभी हम चलते हैं, इस बार के भैया राइडर नहीं है, इस बार के भैया चूतिया हैं। तू उतरा पहले, गुलू भाई पकड़ी, इन्होंने गेट लगा दिया। अभी बाहर आ गए हैं और ये गाड़ी से उतर रही है आयुष भाई और गुलू भाई हमारी गाड़ी के अंदर। आ जा, ये गुलू भाई गाड़ी से उतर रहे हैं और हम फाइनली मंदिर पे आ गए। ओ भाई बहुत अन्याय हो गया हमारे साथ, हमने सोचा था कि मंदिर आ गए पर 3 किलोमीटर और चलना है। नहीं बोला था ना जिंदगी में चलना ही चलना हो रहा तो। मेरे हिसाब से यार गाड़ी में बैठने का भी कोई फायदा ना हो, जरा जैसे दूर छोड़ दिया उसके बाद चल ही रहे हैं। ओहो पुल तो बढ़िया, बड़ा वाला पत्थर गाइस मैंने फेंका था, बड़ा वाला पत्थर पहली बार आया था वो गुरु भाई ने फेंका था ऊपर से, वो इन्होंने यूं करके उठा दिया था। ये क्या है इनमें कभी कभी इतनी ताकत आ जाती है कि ये कम से कम 50-50 फुट के पत्थर ऐसे उठा देती है हवा में। अभी गाइस हम पैदल चल रहे हैं और चलते चलते पैदल चलते ही जाएंगे और पहुँचेंगे पता नहीं कब तक। भीड़ दिखा दो गाइस, इतनी सारी भीड़ की देखभाल करने के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे, मैंने मेरा कोई प्लान नहीं था। और आयुष भाई हमारे बोर हो गए चल चल के, मैं बिल्कुल बोर नहीं हुआ हूँ। ये झूठे इम्कान नहीं नंबर के, बहुत ही चलते हैं और चलते चलते पता नहीं आगे जाके मिलेंगे। तो गाइस अभी हम रुक चुके हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, मतलब इतनी बहुत ही ज़्यादा। और आयुष भाई हमारे कह रहे हैं अब यहाँ पे नेटवर्क आ चुके हैं तो मैसेज कर दिया ना। गुलू भाई हमारे कॉल पे लगे हुए हैं और हम यहाँ पर कुछ ही देर में जूस पी के निकलेंगे, क्योंकि थोड़ी जूस से एनर्जी आ जाएगी, ताकि 3 किलोमीटर चलना है अभी। और तो यहाँ से निकलने के बाद हम देखते हैं सीधा मंदिर में मिलेंगे। जय माता की, जय माता की। और हम आ चुके हैं यहाँ पे, जय माता की, जय माता की, बोल पुनागिरी वाली मैया की जय, बोल सच्चे दरबार के जय। हम वहाँ से निकल के आ गए और चढ़ाई के लिए ऊपर आ गए, चेकिंग वगैरह हो गई है। हमारे गोलू भाई को पुलिस वालों ने रोक लिया, ये ऐसी चीज़ें आती है अपने बैग में कि इनकी स्पेशल चेकिंग होती है, पूरा इन्हें चेक करा उसके बाद भेजा बैग वैग सही तरह से लेकर। गोलू भाई छुपाया क्या लेकिन सामान वापस दे दिया मेरा, गाने को ही रखने लायक ही नहीं था उनके वो सामान। क्या वो बता दूँ एक बार? आयुष भाई गोलू भाई को पुलिस वालों ऐसी कांड करा लेकिन सामान दे दिया। माता की जय, माता की लग रहा।
बोलती है क्या वीडियो? साड़ी चढ़ाई कर लेते हैं हम, लेकिन ये वाली ज़्यादा करनी पड़ रही है। बहुत ही बहुत तगड़ी चढ़ाई कर दी हमने यार, हम अंदर से इतना बीत चुका है, मजा आ गया। अपनी साइड, अपनी साइड में चलो, रॉन्ग साइड में चलने की बात सुन ली, बाइक भी रॉन्ग साइड में चले। तो अभी हम चलते हैं, पर यहाँ पे तो वाला 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 भीड़ है, बहुत ही ज़्यादा है। आपकी दुकान बताऊँगा कितनी भीड़ है, आप देख लो इनकी। तो अभी हम आगे मिलते हैं मंदिर में। हाँ यहाँ पे बिल्कुल भी जगह नहीं है। हम एक गेट से निकल के आ गए हैं और दूसरे गेट से निकल के आ गए हैं। भीड़ काफ़ी ज़्यादा हो रही है, बहुत तगड़ी वाली भीड़, बहुत तगड़ी भीड़ है। चलो चलो चलो, गेट पे आ गई, 23 नंबर गेट पे आ गई हम। अच्छा 23 पे भी ना, बताना कौन से गेट पे। देखो गाइस ब्रेक रोक लगाओगी, आराम से बैठो, मज़ा आ गया। लेकिन पीछे लाए वो ऐसा ही, जो जो वीडियो देख रहा है कितनी लंबी लाइन है देख रहा हूँ। हाँ बहुत ही तगड़ी लाइन लग रही है, क्या बताऊँ तुम्हें। पर अभी 2 किलोमीटर और बचा, कितने किलोमीटर बचा है? 2 किलोमीटर। क्या ब्रो ये बोल रहे थे, 2 किलोमीटर बचा है, 2 किलोमीटर ही बचा। अगर इस हिसाब से जाना छुटिया हो ये कह रहा, कल सुबह 5 बजे तक पहुँचोगी। हाँ 5 बजे तक इस हिसाब से उन्होंने टाइम लगाया। भाई अभी हम यहाँ पर रुक चुके हैं क्योंकि हम बहुत ज़्यादा करते हैं, हम कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी रहे हैं। भाई भाई तो हमारे मोबाइल चार्जिंग पे लगवा रहे हैं, गोलू भाई अपने बाल सेट कर रहे हैं और मैं थक के बैठा। अभी यहाँ से 1.5 किलोमीटर और रहेगा, भीड़ काफ़ी हो रही है, इस वजह से हम रुक के बैठ गए हैं। आगे तो भाई वो प्रसाद हमने ले लिया है मेरा सबका, और अभी हम जाने वाले जय माता की, जय माता रानी, दर्शन करते हैं पहले, फिर मिलते हैं दर्शन के बाद। उम्मीद होगी हम तुम्हारे करवाते दर्शन। हाँ पर पता नहीं है हमें कि कैमरा ले जाते हैं या नहीं, कोशिश पूरी रहेगी तो मैं दर्शन, कोशिश पूरी है। और अगर कैमरा मना कर दी तो भाई उसके बाद तुम खुद करना भाई, तेरा दर्शन खुद करना। भाई हम आ चुके हैं मंदिर के बहुत ही करीब, जय माता की। अबे आ गए यार, मंदिर में हम आ चुके हैं बिल्कुल, और सामने का व्यू आप देख सकते हो, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। चलते रहो जोर से बोलो, सारे बोलो। ये क्या चढ़ा नहीं बोलू, और वो पता नहीं कहाँ गए, और दर्शन तो हो गए भाई, बाहर निकल के आ गए, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, दर्शन भी बड़े अच्छे हो गए, पूरे 5-6 घंटे लग गए उसके बाद आए हैं, 5-6 घंटे से ज़्यादा लग गए, 5-6 घंटे से ज़्यादा लग गए लाइन में लगे हुए, अब जाके बाहर आए हैं। लेकिन मज़ा आ गया, बढ़िया बेहतरीन। अब भीड़ अब भी बहुत है। तो भाइयों अभी हम आ चुके हैं, सारी यात्रा हमारी सफल करके दर्शन वर्शन अच्छे हो गए, और यहाँ पे रुकने का जहाँ इंतजाम था यहीं पे आ गए, थके हुए हैं अब एकदम, बैटरी बिल्कुल लो खत्म हो गई, बिल्कुल खत्म, खाना वगैरह भी खा गए हैं। तो अभी के लिए चलते हैं, ओके टाटा बाय बाय, वीडियो को लाइक करना ना भूलें यार, सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा कर दें, चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दो भाई, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।